सीएलसी वास्तव में एक भविष्य निर्माण की कंपनी कह सकता हूँ उसको, क्योंकि मैं सर से 2012 से परिचित हूँ। मेरा बेटा जो गवर्नमेंट स्कूल प्रिंस मुख पल्लू वर्तमान में नीणा शिमला डूंगरपुर में पढ़ता था, 11वीं क्लास में मैंने एडमिशन करवाया, उसका नाम राजेंद्र मीणा, जो 12वीं के साथ ही आईआईटी बनारस से उसने आईआईटी की, वर्तमान में चेन्नई में वाईओसीएल में इंजीनियर है। इसके लिए मैं सीएलसी परिवार को धन्यवाद देना चाहता हूँ। दूसरा, छोटे भाई का बेटा रामनिवास मीणा, वर्तमान में उसने उसको मैंने फाउंडेशन भेजा था ऐसे 12वीं पास करके, और वो सर के पास गया, मैं उसका एडमिशन कराया, एक साल उसको डेंटल मिला, दूसरे वर्ष उसको एम्स ऋषिकेश मिला, जहाँ से उसने वह MBBS करके और वो इंटर्नशिप कर रहा है। तीसरा, मेरा भांजा कुलदीप मीणा, वो भी 12वीं पास करके और मैंने इनके पास रखा, पहले वर्ष में ही उसको यवतमाल महाराष्ट्र में वर्तमान में वो MBBS कर रहा है। तो मैं निश्चित रूप से ये कहना चाहूँगा कि मैंने केवल 3 बच्चे इनको दिए हैं और तीनों के तीनों बहुत ही अच्छी सफलता उन्होंने प्राप्त की है। मेरा गांव छोटा सा गांव है मांडेड़ा सुनारपुरा, सुना होगा आपने, खानवास पंचायत में। तो निश्चित रूप से मैं मेरी तरफ से इनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ कि मैंने 3 एडमिशन इनको दिए हैं और तीनों के तीनों एडमिशन में मैं 100% सफल हुआ हूँ। तो निश्चित रूप से आप अपने बच्चों का एडमिशन निर्भीक होकर के और सर के पास कराएं, वहाँ अपने से भी ज़्यादा ध्यान इनके जो हॉस्टल के वार्डन हुआ करते हैं वो 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट के बाद तो पूछ ही लिया करते हैं कि इतनी देर कहाँ गया था, क्यों गया था, कोई समस्या थी तो हमें बताते। दूसरा, किसी बच्चे के अगर मान लीजिए कोई तकलीफ हो जाती है तो मैं तो सोचता हूँ कि अपन भी शायद उसको डॉक्टर को दिखाने में देरी कर सकते हैं, लेकिन इनके जो हॉस्टल वार्डन है वो पूरा ध्यान रखते हैं, बच्चे ने खाना खाया नहीं खाया, कोई की तबीयत खराब तो नहीं है, पूछते रहते हैं और तुरंत डॉक्टर को बताते हैं बच्चे के पास पैसे हो नहीं हो, सारी व्यवस्थाएँ इनकी बहुत ही अच्छी है। इसीलिए मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद, CLC को जय भारत, जय CLC।